हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में, यानी कि रात को सोने के टाइम पे जब खर्राटे ज़्यादा हो या सांस रुक जाती है तो इस समस्या को हम स्लीप एपनिया कहते हैं। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्लीप एपनिया। तो दोस्तों, स्लीप एपनिया को स्लीप एपनिया सिंड्रोम या SAS भी कहते हैं। और स्लीप एपनिया का मतलब क्या है? स्लीप एपनिया का मतलब है कि सोने के बाद अगर कभी कभी आपको नींद जो है वो खुल जाती है, आपको सांस नहीं आता है और अचानक से नींद खुल जाती है, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, स्नोरिंग होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्लीप एपनिया। तो ये जो स्लीप एपनिया है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल स्लीप एपनिया और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो सेंट्रल स्लीप एपनिया का क्या मतलब है? सेंट्रल स्लीप एपनिया का मतलब है कि हमारा जो रेस्पिरेशन है, जो हम सांस लेते हैं, तो ये किससे कंट्रोल होता है? ब्रेन से कंट्रोल होता है। हमारे बॉडी की हर एक एक्टिविटी ब्रेन से कंट्रोल्ड है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये सब जो हम एक्टिविटी करते हैं तो ये ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होते हैं जो हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ठीक इसी तरह से ब्रेन का वो पार्ट जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, मे बी आपने कोई हैवी ड्रग्स लिए हैं तो उसके वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं स्लीप एपनिया के वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कुछ रुकावट हो रही है। तो हम जब सोते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स पोजीशन में चले जाते हैं। तो अगर आपके जो आपका मुंह है, जो टंग है, वो ज़्यादा ही वो रिलैक्स हो जाए और जो एयरवे है यानी सांस हम जिससे लेते हैं वो पैसेज कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या बंद हो जाए मसल्स रिलैक्स होने के वजह से, तो क्या होगा? आप सांस नहीं ले पाएंगे और जब आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और नींद खुल जाएगी। तो इसी को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो कि आपकी नींद खुल जा रही है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि जो स्लीप एपनिया है इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होगा? अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे तो नेक्स्ट डे आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आपको दिन में नींद आएगी, डे टाइम स्लीपीनेस फील होना, चिड़चिड़ापन फील होना, इरिटेबल फील होना, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होना, क्योंकि नींद नहीं हुई है तो आप थके हुए से रहेंगे, थकावट का फील करना, वीकनेस का फील करना, गैस्ट्रिक ट्रबल होना यानी खट्टी ढकारे आना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इस तरह की प्रॉब्लम होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम हमें हो सकती है अगर स्लीप एपनिया हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सिम्टम्स ऑफ स्लीप एपनिया। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयां हैं जो स्लीप एपनिया में आपको मदद कर सकती है। तो दवाइयां के बारे में बात करने से पहले कुछ हम रिस्क फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे जिसके वजह से स्लीप एपनिया होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो वो क्या क्या है? मोटापा यानी कि ओबेसिटी, अगर ज़्यादा आप मोटे हैं, स्पेशली आपका जो चेहरा है, चेहरे के चारों ओर, गले के चारों ओर फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो आपको स्लीप एपनिया होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको स्लीप एपनिया होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से स्लीप एपनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अपने वेट को कंट्रोल करना, कैफिनेटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करना, जब आप लेटे
तो आप करवट लेके लेटे, किसी एक साइड में लेटे तो आपको बेटर फील होगा। एक्सरसाइज आप करें, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं ले, सिडेटिव्स नहीं ले, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप थोड़ा सा फील करेंगे कि जो स्लीप एपनिया की कंडीशन है इसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। इसके साथ साथ सीपैप मशीन यानी कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तो ये मशीन्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इन मशीन्स के द्वारा जो मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं या टंग बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं और जो एयरवे है उसको बंद कर देती है, तो उसको अवॉइड करने में ये मशीन मदद करती है और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर बना रहे और ठीक से आप सांस ले पाए इसको इंश्योर करने के लिए जो CPAP या CPAP मशीन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो स्लीप एपनिया के कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट मेडिसिन है इस कंडीशन में वो है लेमना माइनर। तो लेमना माइनर कब देना है? अगर आपको नेजल पॉलिप हो रहा है, नाक में आपको पॉलिप बन रहा है जिस वजह से आपका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, तो लेमना माइनर मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एग्रेफिस। एग्रेफिस में हम क्या देखते हैं कि अगर टॉन्सिल्स आपके बड़े हुए हैं या एडिनोइड्स आपके बड़े हुए हैं, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह से सांस लेते हैं, तो एग्रेफिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि स्लीप एपनिया में मदद कर सकती है, स्पेशली अगर पेशेंट हमेशा बोले कि सोने जाना मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है उनके लिए, क्योंकि जब भी वो सोने जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम जो है उनकी बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में एकदम से टाइटनेस का महसूस होता है, कंस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, तो ऐसी अगर सिम्टम है तो लैकेसिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सैंग्यूनेरिया। सैंग्यूनेरिया में हम क्या देखते हैं कि अगर नेजल टर्बिनेट हाइपरट्रोफी हो रहा है, सर्दी जुखाम की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आपकी है, साइनोसाइटिस की आपको प्रॉब्लम हो जाती है, हर चेंज ऑफ वेदर से सर्दी जुखाम आपको हो जाता है और फिर खराटे ज़ोर ज़ोर से लेना और दिक्कत होना, सांस नहीं ले पाते हैं, तो जो सैंग्यूनेरिया मेडिसिन है ये आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ओपियम। ओपियम में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़ोर से स्नोरिंग का होना और साथ में गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होना, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहना, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो ओपियम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मेडिसिंस होम्योपैथी में स्लीप एपनिया के लिए। पर जैसे मैंने बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिंस को किस वजह से आपको स्लीप एपनिया हो रहा है, आपके क्या सिम्टम्स हैं, इस बेसिस पे दिया जाता है, तो जितना बेटर हमें केस के बारे में मालूम होगा उतना बेटर हम आपको मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्लीप एपनिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फोर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।